तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। दोस्तों आज मैं कोई भी डिलीवरी कंपनी के बारे में वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। दरअसल आज मैं एक जगह घूमने जा रहा हूँ, बोटानिकल गार्डन। जो लोग कोलकाता में रहते हैं उन लोगों को तो पता ही है बोटानिकल गार्डन के बारे में। जो लोग कोलकाता बाहर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए बता दूं, बोटानिकल गार्डन एक पेड़ों का मतलब गार्डन है, जहाँ पे 14,000 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के पेड़ वहाँ पे मौजूद है। और वहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई वहाँ पे एक बहुत ही यूनिक पेड़ है और उस पेड़ का नाम है द ग्रेट बनियन ट्री। और उस पेड़ का मैं एज बता देता हूँ, लगभग 225 साल से भी ज्यादा उसका एज हो चुका है, तो वही सबसे ज्यादा यूनिक है, तो उसी को देखने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों द ग्रेट बनियन ट्री के बारे में मुझे क्लास 8-9 में जब मैं पढ़ता था उस टाइम मुझे पता चला, मेरे ईवीएस के टीचर ने बताया था कि वो पेड़ करीब 200 साल से भी ज्यादा पुराना है, तो उसी को तब से मुझे देखने का मन था, लेकिन आज तक मैं देख नहीं पाया। लगभग 11-12 साल हो चुका उस बात के, लेकिन आज फाइनली मैं जा रहा हूँ। और मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ एक दोस्त भी है और मैं दोस्त को काफी टाइम से वेट भी करा रहा था और दोस्त मुझे मन मन के गाली भी दे रहा होगा कि भाई अगर वीडियो ही बनाना था भाई तो अकेले का जा चल जाता, मुझको क्यों बुलाया, क्यों भाई मन मन में हो लेकिन बहुत गाली दे रहा होगा भाई, बहुत देर वेट करा है। भाई को बोले थे 10 बजे लेकिन अभी 11 बज रहा है। खैर कोई बात नहीं, चलिए अभी चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या बताओ, शायद सिग्नल पड़ गया था, ख्याल नहीं किया। बाय बाय टाटा, गुड बाय गया। मैं तो डर गया। दोस्तों फाइनली हम लोग बोटानिकल गार्डन पहुंच गए। एक्चुअली इसका नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस का बोटानिकल गार्डन, पूरा नाम है। हाँ कोता पार्किंग है बैठे, अच्छा अच्छे সেটা জিজ্ঞেস করছিলাম যে কোথায় আছে। রাস্তা রেখে আনা তো থাড়া রিস্ক হয়ে যাবে। পার্কিং হো তো, হ্যাঁ এই পে কতনা লেতো পার্কিং কা? 30 রুপিয়া। ঠিক আছে, কে ঘন্টা কা কি মা জব তক আয়েঙ্গে তব তক? হ্যাঁ তো এসা ঠিক হ্যাঁ। তো আমরা অভি পার্ক কে অন্দর আ চুকে আর মেইন গেট সে জেসে অন্দর আপ ঘুসেঙ্গে तो उसके जस्ट यहाँ पे आपको तीन रास्ता देखने को मिलेगा, तो आप जिधर चाहे उधर जा सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। इधर कोई मैप का भी लोकेशन नहीं है तो मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं कि किधर कौन सा है। तो हम लोग एज यूजुअल जो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है तो उधर से अभी जा रहे हैं। ओके तो चलिए चलते हैं और कुछ अच्छा होगा देखने को तो आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों जनरली ये पूरा एक छोटा सा सेंचुरी या फिर छोटा सा जंगल की तरह कह सकते हैं आप लोग। मैं तो पहली बार आया हूँ, जो लोग इससे पहले आ चुके हैं तो कमेंट में बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं तो ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई जंगल में आ गया हूँ फिलहाल अभी। सीरियसली इतना सन्नाटा, ऐसे पैरों के आवाज को छोड़कर और कुछ नहीं सुनाई दे रहा यहाँ पे। यहाँ पे आपको पूरा बोटानिकल गार्डन का मैप देखने को मिल जाएगा, अगर आप लोग चाहे तो यहाँ से देख के अंदर घुस सकते हैं। अभी हम लोग 15-20 मिनट यहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं कि हम लोग अभी है कहाँ पे और किधर ये ग्रेट बनियन ट्री है, तो कुछ समझ में तो आया नहीं है। तो अगर आप लोगों को समझ में आया तो भाई देख के चल जाना, हम लोग को तो भाई कुछ समझ में आया नहीं। अभी देख रहे सब इधर जा रहा है तो हम लोग भी सोच रहे इधर ही चलते हैं, देखते किधर है। अभी ये चौरस्ता है, चारों तरफ रोड है, हम लोग आए इधर से और उसके बाद किधर जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर चलते इधर ही चलते हैं। ये छपरी फोटोग्राफर। दोस्तों फाइनली लगभग 1-1.5 घंटा तक पैदल चलने के बाद हम लोगों को वो मंजिल तक पहुंच ही गया जहां तक हम लोगों को आना था, द ग्रेट बनियन ट्री। दोस्तों फाइनली मंजिल तक पहुंच ही गए, यही वो पेड़ है द ग्रेट बनियन ट्री। और दोस्तों ये लो, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसका जो आपको लग रहा है कि ये इतना सारा पेड़ है, इसमें दरअसल ये सिर्फ एक ही पेड़ है, मतलब सिर्फ एक पेड़ है। इसका जो आप लोग जो देख रहे हैं ये सारे ये जड़ है इसके, मतलब जो लोग बहुत लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा पेड़ होगा, दरअसल यहाँ पे सिर्फ एक ही पेड़ है। और इसका जो मेन पेड़ है वो कौन सा है मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा है, सपोज एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा होगा ये पेड़। सच में यार अनबिलीवेबल है ये, अनबिलीवेबल। आज तक मैंने सिर्फ फोटो में और वीडियो में ही देखा था, रियल में कभी देखा नहीं इतना बड़ा पेड़।
सच में यार बहुत बड़ा है, मैं आपको पूरा वॉक अराउंड दिखाता हूँ चारों तरफ से। तो फाइनली दोस्तों मैं इस पेड़ के दूसरे छोर पे आ चुका हूँ और मुझे इस एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक आने में करीब करीब 5 मिनट का समय लगता है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। और वहाँ पे एक बोर्ड भी लिखा हुआ है कि ये पेड़ मोर देन 250 ईयर से भी ज्यादा पुराना है। पता नहीं मैं जूम करूंगा आप लोग उतना अच्छा क्लियर पता चलेगा कि नहीं। दोस्तों हम लोग बोटानिकल गार्डन देखने के बाद अभी सोच रहे कि सामने प्रिंसेस घाट भी है, और आप लोगों को बता दूं मैं कभी प्रिंसेस घाट भी नहीं घुमाऊँ, तो सामने प्रिंसेस घाट था नदी के उस पार, तो मैंने सोचा चलो यार प्रिंसेस घाट भी देख ही लेते हैं, तो अभी प्रिंसेस घाट की तरफ ही जा रहा हूँ। और दोस्तों देखो ब्रिज, देखो यार क्या खूबसूरत ब्रिज है यार। पार्किंग है यहाँ पे, प्रिंसेस घाट भी फाइनली हम लोग घूम लिया। और दोस्तों मैं जितना फोटो में देखा था रियल में ये उतना ही खूबसूरत था, लेकिन यहाँ के जो कपल्स लोग थे ना वो इस जगह को थोड़ा सा ख़राब कर दिया, मतलब फैमिली भी आ रही थी और ओपन मतलब फेंसिस हो रहा था, मतलब गंदा अंदर मतलब काम कर रहे भी कोना में कोपचे में बैठ के, और यहाँ पे फैमिली वगैरह भी आ रहे थे, तो थोड़ा सा ख़राब लगा मुझे कि जो लोग कपल्स में आते हैं स्पेशली तो वो लोग थोड़ा सा मतलब सोच समझ के काम किया करो, समझ रहे हो ना भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे ख़राब लगा यार, क्योंकि यहाँ पे फैमिली भी आ रही है बच्चे लोग भी आ रही है, तो यार यहाँ पे मुझे ठीक नहीं आ रहा। वैसे जगह बहुत ही खूबसूरत था, काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिला वहाँ से। आप लोग भी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अगर आप लोगों ने कभी प्रिंसेस घाट घुमा है तो। फिलहाल ये मेरा फर्स्ट टाइम था और साथ ये मेरा लास्ट टाइम भी हो सकता है, दोबारा मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता हूँ इस तरह का प्लेस में। স্যার মানি ব্যাগ পড়ে তো অর্ধেক উঠে রয়েছে, আরামসে আরামসে ঢুকে না ভালো তুমি পড়ে যেতে পারে, তো পার্টস আধা বাহার নিকলা হুয়া থা গির যাতা তো ভাই বহুত নুকসান হয়ে যেত স্যার, দিন ভর কে কমায় সব চল যেতা। दोस्तों फिलहाल वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मुझे नहीं पता वीडियो कैसा बना, अगर अच्छा लगा है तो यार लाइक ज़रूर कर देना और नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैंने ये वीडियो एंजॉय के लिए बनाया, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था इस तरह का वीडियो बनाने का,
ओके, मैं बस घूमने के लिए सोचा चलो एक छोटा सा ब्लॉग बना के देखते हैं कैसा होता है। अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना ऑनेस्टली।